बेमेतरा में नए साल लगते ही अपराध होना शुरू हो गया है। मामला चौकी क्षेत्र देबर बीचा का है, जहां सिरसा सड़क मार्ग पर असामाजिक तत्वों ने ठेले में आग लगा दी। बता दें कि सिरसा निवासी गजेंद्र टंडन सिरसा एवं देबर बीचा के बीच खेत में मेन रोड पर पान दुकान किराए में लेकर अपना जीवनोपार्जन करता था। रात्रि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पेट्रोल छिड़ककर पान की दुकान में आग लगा दी गई। दुकान में रखे 15,000 रुपये का सामान एवं 8,000 रुपये नकदी समेत तमाम जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। पीड़ित गजेंद्र ने मामले की शिकायत प्रशासन से करते हुए तुरंत आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। पुरानी रंजिश है और इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिचय पत्र, दुकान में नकदी भी था और ऋण पुस्तिका था मेरा और ठेले का कीमत था और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखा था अपना पर्सनल, जिसमें 1,20,000 का नुकसान हुआ है मेरा। और ये रंजिश तो आप देखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक शक के आधार पे रंजिश लग रहा है, उसी आधार पे ही मैं FIR दर्ज कराया हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया हूँ। प्रार्थी गजेंद्र टंडन ग्राम सिरसा द्वारा के एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 31/12 की रात्रि में उसके ग्राम सिरसा और देवरबीजा के बीच में ठेला रखा था, और ठेला जिसमें अचानक कहीं आग लग जाने से जलकर पूरा नुकसान हो गया है, और इस संबंध में रिपोर्ट पर हम लोग आमदनी काम करके जांच में लिए हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ।